नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज ये कक्षा 6 के अध्याय 1 का हम लोग गणित विषय से अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। तो अध्याय 1 से यानी स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। कक्षा 6 है, कक्षा 6 है और ये बिहार बोर्ड का गणित का बुक है, उसी से हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। तो सबसे पहला अध्याय है संख्याओं की समझ। तो हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संख्या कहते किसको है, संख्या कहते किसको है और संख्याएं बनती कैसे हैं, ये जानना जरूरी है। तो संख्याओं को बनने के लिए हमको सबसे पहले अंक की आवश्यकता होती है। अंक के सहयोग से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो अंक किसको बोलते हैं, अंक कौन होता है? अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है हमारा, ये अंक है। और जैसे इस 9 से आगे हम 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से हम अनंत तक लिखते चले जाएंगे। तो ये सभी संख्याएं हैं, मगर ये 1 से 9 तक ये क्या है हमारा, ये अंक भी है और संख्या भी है। कैसे ये अंक है और कैसे संख्या है ये आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अभी क्या जानना है कि अंक 1 से 9 तक अंक है और उसके बाद 10 से लेके अनंत तक ये क्या है, संख्याएं हैं। आपके बुक में दिया हुआ है कि आप अपने घर के सदस्यों की संख्या, अपने मोहल्ले के सदस्यों की संख्या और फिर आपके शहर के, शहर में रहने वाले लोगों की संख्या को आप ज्ञात कीजिए। संख्या की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, जब हम किसी चीज को गिनते हैं तो उस गिनती को दर्शाने के लिए हमको संख्याओं की जरूरत पड़ती है और हम उसको जब लिखते हैं तो उसे हम संख्या कहते हैं। अब सपोज दैट आपके घर में आपके घर के सदस्यों की संख्या 7 है, मान लेते हैं आपके पड़ोस में रहने वाले लोग जो एक घर में रह रहे हैं उनके घर के सदस्यों की संख्या 11 है यानी 11 है। सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन था तो आपके कुछ रिश्ते नाते वाले आए और उनकी संख्या 27 है और जिस दिन आपने आयोजन किया उस दिन आपके घर में 242 लोग और एक्स्ट्रा आए, तो आपके घर के कुल सदस्यों की संख्या 7, आपके बगल वाले के घर के सदस्यों की संख्या 11, आपके घर जो रिश्ते नाते वाले आए उनकी संख्या 27 और जो उस दिन आयोजन में बाहर से और लोग आए अगल बगल वाले जिसको आपने इनवाइट किया था उनकी संख्या 242 हुई। अब हम जब लोगों को काउंट करते हैं, गिनते हैं तो उनको लिखने के लिए हमको संख्याओं की आवश्यकता होती है। इस अंक की मदद से मैंने इन संख्याओं को लिखा है, ये 7 मैंने बोला कि ये अंक है और ये संख्या भी है। तो ये संख्या कैसे है, अभी आप देखिए ये 7 एक अंक है लेकिन फिर भी यहाँ पे एक संख्या को दर्शा रहा है। 11 में 2 अंकों का इस्तेमाल किया गया है, ये 2 अंकों की संख्या है। ये 27 2 अंकों की संख्या है, 242 3 अंकों की संख्या है। इस 242 को लिखने में 3 अंकों का सहयोग लिया गया है। जिस तरह से आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी लिखें, मान लेते हैं आप इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश लिखने के लिए आपको लेटर्स की आवश्यकता होती है, आप लेटर्स के माध्यम से आप इसको लिख पाते हैं,
लेटर्स क्या है ये एच एस आई एल जी एन ई, ये सभी क्या है इंग्लिश के लेटर्स हैं। उसी तरह से 7, 11 का ये 1, 1, 27 का 2, 7 और 242 का 2, 4, 2 ये सभी क्या है अंक हैं। इन्हीं अंकों की मदद से जिस तरह आपने इन संख्याओं का निर्माण किया, यानी 1 और 0, 0 एक पूर्णांक है, पूर्ण अंक है, ये जिस किसी के साथ लग जाता है उसको और ये पावरफुल बना देता है। यानी 1 अंक के आगे अगर 0 को लगा देते हैं तो उसका मान 10 हो जाता है, वो दहाई की संख्याओं में गिना जाता है। तो जिस तरह से आप इस लेटर्स से इंग्लिश के वर्ड्स को बनाते हैं, अगर आप इंग्लिश लिखते हैं और आपने लिखा कि आई हैव अ पेन, आई क्या है, आई अपने आप में एक लेटर है, हैव अपने आप में एक वर्ड है, मगर अ अपने आप में एक लेटर है और पेन ये एक वर्ड है। लेकिन जब आप इस सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये आई हैव अ पेन इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, तो आप क्या कहेंगे 1, 2, 3, 4, यानी 4 शब्दों से मिलके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। जिस तरह 2 अंकों से मिलके ये संख्या बना है, 2 अंकों से मिलके ये संख्या बना है, 3 अंकों से मिलके ये संख्या बना है, उसी तरह ये 4 वर्ड्स से मिलके एक सेंटेंस बना है। इस वर्ड को बनने में 3 लेटर्स की आवश्यकता हुई है। ये 1 लेटर्स का वर्ड है, जिस तरह ये 1 लेटर्स का वर्ड है उसी तरह से ये 1 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की एक संख्या है। तो ये अपने आप में संख्या भी है और ये अंक है। मान के चलिए ये लेटर्स जो इंग्लिश का लेटर्स होता है या हिंदी का जो वर्णमाला में जो आप स्वर और वर्ण हैं, ये जो अक्षर हैं, अक्षरों से आप शब्द बनाते हैं, उसी तरह इस अंक से आप संख्या को बनाते हैं, ये आपको पता होगा। तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि संख्याओं के मान के हिसाब से आपके बुक में दिया हुआ है कि हम कौन सी संख्या बड़ी है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं, तो संख्या क्या है उसको लेते हैं। अभी मैंने ये संख्याओं को लिया है, अब इन संख्याओं में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, ये आपके बुक में दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और उसको कैसे पता किया जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। तो इसमें कुल अंक कितने हैं, ये 2 अंकों की संख्या है। इसमें कुल कितने अंक हैं, ये 3 अंकों की संख्या है। इसमें कुल कितने अंक हैं, ये 4 अंकों की संख्या है। और इसमें कुल कितने हैं, ये 5 अंकों की संख्या है। तो जैसे ही कोई संख्या में अंकों की मात्रा अधिक है तो स्वाभाविक है कि वो उससे कम अंक वाले जो संख्या होंगे, जब इन संख्याओं में हम कितना भी कुछ कर लें, ये 2 अंकों की संख्या है और ये 3 अंकों की संख्या है, तो ये 3 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या हमेशा छोटी होगी। ठीक उसी तरह 4 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या हमेशा छोटी होगी। ठीक उसी तरह 5 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या हमेशा छोटी होगी, चाहे उसमें कोई सा भी अंक हम यूज कर लें, आगे देखेंगे समझ में आएगा। इसमें से क्या है, इसमें ये 5 अंकों की संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ये है। सबसे बड़ी संख्या है ये। अब इसको दूसरा तरीका है, इसको हम करते हैं ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है और ये 10000 है। तो ये 10000 तक
इसकी गणना की गई, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये हजार ही रह गया, तो 10,000 से हजार कम है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 100 में ही खत्म हो गया, और ये इकाई है और ये दहाई है, यानी ये 10 के आंकड़े में ही खत्म हो गया, तो ये सबसे बड़ी हो गई। अब ये सभी क्या हैं, चार अंकों के हैं, इसमें भी चार अंक 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 हैं और इसमें भी चार अंक हैं। अब इन चार अंकों में से हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे इसमें भी एट है, इसमें भी एट है, मगर इसमें वन है, इसका मतलब है कि एट से वन तो कम हो गया, तो ये खत्म हो गया, इसकी चर्चा नहीं करनी है। इसमें भी हजार के स्थान पे वन है, तो ये भी क्रॉस हो गया, खत्म हो गया। अब बच गया ये हमारा ये तीन, इस तीन में हजार के स्थान पे आठ को इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद का हमको देखना है कि सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक आता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में इसमें पांच है और इसमें सैकड़ा के स्थान पे जीरो है, तो ये तो इससे कम हो गया, ये इससे भी कम हो गया, इसमें भी पांच है। लेकिन अब इसमें, इस दोनों में, इसको खत्म कर देते हैं। अब इस दोनों में से कौन बड़ा है, कैसे पता करेंगे, तो दहाई के स्थान पे जाएंगे तो इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे क्या है, एक है, और इसमें इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे क्या है, इसमें जीरो है, तो जब ये दहाई के स्थान पे जीरो है और इसमें दहाई के स्थान पे एक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा हो गया, इसमें ये हमारा सबसे बड़ा हो गया। इस तरह से हम संख्याओं को, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इस तरह हम ज्ञात करते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे इसको विराम देते हैं, और आपसे हमारा अब लास्ट में रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहां तक आ गए हैं और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और आप हमारे इस पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इस चैनल पर आपके सभी विषयों की पढ़ाई दी जाएगी, आप बेफिक्र होकर आप इस पे पढ़ेंगे, जिस भी तरह का प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।